पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए, बस अल्लाह तुम्हारे साथ। मैं अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, लेकिन मैंने कश्मीर की जद्दोजहद आजादी की सियासत की है, कश्मीर की सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया, और मैं अब आ गया हूं। मेरा ये अहद है, जिस तरह मुजफ्फराबाद वालों आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, मेरी यहां कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी कश्मीर की आजादी है, मेरी पार्टी। और अगर हिंदुस्तान ने, राजनाथ ने जो बयान दिया है उसका एक लंबा एजेंडा है, हिंदुस्तान का एक सोची समझी मंसूबा बंदी है कि कश्मीर को नौ आबादी बनाकर, मुसलमानों को यरगमाली बनाकर, कश्मीर पर कब्जा करके वो हिंदुस्तान के दिल्ली में बसने वाले मुसलमानों को, मध्य प्रदेश में बसने वाले मुसलमानों को, बिहार और असम में बसने वाले मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदू दत्त की हुक्मरानी कबूल करनी होगी, और ये पाकिस्तान का अहद है कि हम इस खित्ते में हिंदुस्तान की हुक्मरानी के ख्वाब को पाश पाश कर देंगे। मैंने आपसे कहा यार कोई नारा नहीं लगाना, ओ बस यार, ओ बस यार, बस कोई नारा नहीं लगाना, 10 मिनट की बात है सिर्फ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, 130 मिलियन पाकिस्तानी नौजवानों जो 30 साल की उम्र से कम हो, तुम खुश नसीब हो। इसलिए खुश नसीब हो कि उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, आज ये 130 मिलियन क्या 140 50 मिलियन नौजवान पाकिस्तान को बचाएंगे, मईशत को बनाएंगे, और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारेंगे। ये मेरा ईमान है। मौजूदा हुकूमत के दौर में, इमरान खान के हुकूमत के दौर में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के इस दौर में, ये मोदी की हमाकत, ये उसका फासिज्म, वो उसको ले डूबेगा। पाकिस्तान में इमरान खान 50 साल के बाद सलामती कौंसिल में गया है। मैंने कैबिनेट में कहा हमें बार बार जाना है, 26-27 को जनरल असम्बली से खिताब करना है, मैं भी इस जनरल असम्बली से खिताब कर चुका हूं अपनी नौजवानी में, लेकिन मसले करारदादों से हल नहीं होंगे। हिंदुस्तान ने जो करना था वो कर दिया, हमने इसको किस तरह जवाब देना है, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, दुनिया के महाज पर हमने ये साबित करना है कि इस खित्ते में बाज ऐसे मिडल ईस्ट के लोग हुक्मरान हैं जिनका रवैया पाकिस्तान में उसको पजीराई नहीं मिल रही, लेकिन मिडल स्ट्रीट, मिडल ईस्ट की सड़कें आपके साथ हैं, मिडल ईस्ट में बसने वाले आपके साथ हैं। अगर मिडल ईस्ट के हुक्मरान हमारे साथ नहीं तो कोई बात नहीं। जब लीबिया तबाह हो रहा था मैंने कहा था मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, जब इराक तबाह हुआ मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, जब यमन तबाह हुआ मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, जब सीरिया तबाह हुआ मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, और अब जो कश्मीर में हुआ है मेरे भाइयों, ये हिंदू दत्त का, ये इस इलाके की हेजमनी का, हिंदुस्तान हिंदू दत्त की बालादस्ती चाहता है। वो चाहता है कि चीन जो पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, चीन जो पाकिस्तान का हमालिया से बुलंद दोस्त है, चीन जिसकी दोस्ती हर मौसम की दोस्ती है, असल में
हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खटकती है। वो पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान खुद इतना बड़ा मुल्क है, अगर इस पर हमला हुआ तो बर्रे सगीर का नक्शा बदल जाएगा। यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होगी, यह बर्रे सगीर की जंग होगी। और जो मोदी हिंदुइज्म हिंदू दत्त की बात कर रहा है, यह मजहब की लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमानों, आइन तबाह कर दिया, 153, 370, 35A, ये एक दिन की सोच नहीं है। राजनाथ साहब सुन लो, मुसलमान की जिंदगी और मौत इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। मुसलमान हर दुआ में शहादत की दुआ करता है कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब कर। मुसलमान हर जुमे की नमाज में कहता है कि या अल्लाह मुझे शहादत दे। पाकिस्तान के लोगों, जितने ये हजारों लोग जो बाहर भी लोग खड़े हैं, माफी चाहता हूं, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुजफ्फराबाद में इतनी सारी मोहब्बत का इजहार होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं जवेद भट्ट साहब और राजा साकिब और सरदार राजक साहब इनसे कहता था कि हम एक मुख्तसर मीटिंग रखें। अगर मुझे पता होता कि आपने इतना बड़ा मेरा और कश्मीर के जुल्म के खिलाफ इश्तजाज करना है, तो मैं स्टेडियम में जलसा रखता, अगला स्टेडियम में जलसा रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आज पाकिस्तान में मोदी की वजह से हम सब एक हो गए। पाकिस्तान की अपोजिशन भी ड्राइंग रूम में कम से कम कश्मीर के इशू पर एक है, असेंबली में या सड़कों पर एक नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम में आज कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि अब इस मुल्क में कश्मीर की सियासत होगी। जो कश्मीर के साथ होगा वो पाकिस्तान के साथ होगा, जो कश्मीर का गद्दार होगा वो मोदी का यार होगा, जो कश्मीर के साथ होगा वो पाकिस्तान का राजकुमार होगा, जो कश्मीर के साथ होगा वो पाकिस्तानियों की आंख का तारा होगा, और जो कश्मीर के साथ नहीं होगा वो इस मुल्क में बदनामा दाग होगा। और ये हिंदुस्तान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए। हिंदुस्तान कश्मीर में आकर आप ये ना समझें कि उसका एजेंडा मुकम्मल हो गया। वो आजाद कश्मीर पर हमला कर सकता है, आजाद कश्मीर पर हमला ऐलान जंग होगा। हमारे पास कन्वेंशनल आर्म की सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये हमने अपना दफाई निजाम, अपनी फुलझड़ियां, अपने मिर्च मसाले कोई शबरात के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम पाकिस्तान की दफा के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस गरीब कौम ने पेट पर पत्थर बांधकर अपना एटमी निजाम बनाया है। इस गरीब कौम ने गुर्बत के दौर में सारे आलम इस्लाम में पहली मुमलिकत बनाया कि जो इस्लामी एटॉमिक फोर्स बनाया, और आज ये एटॉमिक ताकत ही पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को हड़प करने से रोक रही है। वरना पाकिस्तान में अंदर भी वो अपने एजेंटों को खरीदता है, अपने एजेंटों पे सरमायाकारी करता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान जिंदा है वो सलामती, और जब तक पाकिस्तान और चीन एक जुबान है वो सलामती काउंसिल का मुकम्मल मेंबर नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। उसको वो वीटो पावर हासिल नहीं हो सकती, उसको वो ताकत नहीं हासिल हो सकती। और आज जो हिंदुस्तान में जेनोसाइड हो रहा है या होने जा रहा है, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कश्मीर में मुसलमानों की कत्लो गारत होगी
تو جو مسلمان گھر میں خاموش بیٹھے گا وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کے ساتھ یہ سلوک ہو. جب کشمیر میں 20 دن سے 21 دن سے جب کشمیری باہر نکلیں گے, یہ اب ایک دن کی جنگ نہیں ہے. میں نے 2019 کو 2047 سے 1947 سے تشبیہ دی ہے. ایک وقت پاکستان بننے جا رہا تھا, اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آ گیا ہے. ہم 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمان 22 کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے اور ایک ایک مسلمان کی ہندوستان میں حفاظت کریں گے. اللہ ہم نے جب یہ پاکستان بنایا تو اسلام کے نام پر بنایا, کالا کالا رسول اللہ کے نام پہ بنایا. ہم نے اللہ کے اور مسلمان جب پاکستان بننے سے پہلے نعرہ لگاتا تھا تو وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہندو دت, ہندو بادشاہت اور ہندو ہیجمنی قائم کرنے کے لیے یہ سوچا بیٹھا ہے کہ اس کے راستے میں پاکستان رکاوٹ ہے, تو دنیا میں آج ایسے چند ملک رہ گئے ہیں جن کے پاس اتنی نوجوانوں کی تعداد ہے جتنی پاکستانوں کی تعداد. جتنی تعداد پاکستان میں نوجوانوں کی ہے, اور میں ہر جگہ ہر جلسے میں نوجوانوں سے بیعت لے رہا ہوں. آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ سلوی ہیں, آپ وہابی ہیں, جو بھی آپ کا مکتبہ فکر ہے, آپ اللہ اور اس کے رسول کے علم بردار ہیں. آج آپ نے بیعت کرنی ہے کہ اس کشمیری مسلمان کے نام 130 ملین نوجوان میرے ساتھ بیعت میں ہاتھ کھڑا کرے کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں یہ سرفروش کہ اسلام کے ساتھ جیئیں گے, کشمیریوں کے لیے جیئیں اور مریں گے, اللہ کا کلمہ بلند کریں گے, اور وقت آنے پر پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں. نعرہ تکبیر, پاکستان, اسلام اور کشمیری مسلمان. اور اب جو نعرہ ہے, ایک جو نعرہ ہے کہ مودی کا جو یار ہے, 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 اگلی دفعہ سٹیڈیم میں جلسہ کریں گے. مظفرآباد والوں دل خوش کر دیا.